इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा करो। एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, एक हैप्पी खुशहाल घराने के लिए फिर अल्लाह का तकवा गोया बहुत ही अहम बात है। और ये बात याद रखिएगा कि एक घराने के अफराद अगर एक दूसरे के डर और खौफ से आपस में मामला अच्छा करेंगे तो उनका मामला और उनके अखलाक और उनकी डीलिंग सिर्फ उतनी देर तक अच्छी होंगी जितने तक वो शख्स मौजूद है जिसका तकवा है। तकवा का मतलब क्या होता है? खौफ ना। लेकिन अगर तकवा अल्लाह का है, खौफ अगर अल्लाह का है, डर अगर अल्लाह का है, तो मामला फिर सारा वक्त बेहतर रहेगा। मैं बसों का ये बात मिसाल से बताती हूं। देखें कि अगर एक बीवी अपने शौहर से डर के अपने सास ससुर के साथ अच्छा मामला करती है तो जितनी देर तो वह शौहर घर पे होगा वो बड़े लाड प्यार करेगी। अम्मा आप यहां बैठ जाएं, अम्मा आप ये खा लें, अम्मा आप पहले बैठें। बहुत लाड होगा सास के साथ भी और ससुर के साथ। द मोमेंट वो गेट से बाहर जाएगा, फ्रंट डोर गेट बंद होगा, बहू का लहजा भी बदल जाएगा, उसकी टोन भी बदल जाएगी, उसके जुमले भी बदल जाएंगे, उसके तेवर ही बदल जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं? अगर तकवा शौहर का था तो वो हुस्ने सलूक और हुस्ने अखलाक सिर्फ उतनी देर रहेगा जितनी देर जो शौहर का तकवा है वो घर में है, तब तक ठीक। और जो ही वो बाहर निकलेगा वो पेशानी के ऊपर 111 के हरूफ जो है वो नजर आने लगेंगे, पेशानी सुकड़ जाएगी, लहजे बदल जाएंगे। सास जिस घर में जो ताकतवर हो, अगर घर में सास ज्यादा जोरावर है और अगर वह सिर्फ अपने बेटे के डर से अपने बहू के साथ करती है तो जितनी देर बेटा घर पे है वो बहू के साथ अच्छा बोलेगी, अच्छा खिलाएगी, अच्छा पिलाएगी, अच्छी डीलिंग करेगी। द मोमेंट वो बेटा घर से निकलेगा वो उसकी चुटिया पकड़ लेगी, उसको झाड़ू हाथ में पकड़ा देगी। नॉट दैट के झाड़ू मारना कोई बुरी बात है, लेकिन मैं उसकी मुशक्कत और उसके जुल्म और ज्यादती के हवाले से बात कर रही हूं। तो लिहाजा अल्लाह सुबहाना ताला ने यह नुस्खा पहला बता दिया कि अगर एक कामयाब घराना बनाना चाहते हो तो घर के अफराद एक दूसरे को, शोहर को बीवी का नहीं उसको अल्लाह का तकवा होगा तो वो बाकी माशरे में भी घूमता फिरता मुत्तकी रहेगा। बीवी को शोहर का नहीं उसको अल्लाह का तकवा होगा तो शोहर की गैर मौजूदगी में भी वो मोमिना मुत्तकी होगी। तो कामयाब घराने के लिए पहला असूल सूरा निसा में आ गया कि अपने घरों को खुशहाल करना चाहते तकवा का चौकीदार बिठा लो।